हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीसा खान। में तो आज हम आप इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो कि आप काफ़ी देर से परेशान हो रहे हैं, काफ़ी आपको प्रॉब्लम आ रही है। आप जैसा कि आप जानते होंगे, सेवा योजन रजिस्ट्रेशन में आपका जो आधार ऑथेंटिकेशन एकदम से मांगने लगा है अचानक, तो उस प्रॉब्लम को आज हम कैसे हैंडल करेंगे, तो हम इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को बताने वाले हैं कि आपको अपने सेवा योजन प्रोफाइल में आधार ऑथेंटिकेशन कैसे करना है। तो गाइज, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधी वीडियो की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम आपको स्क्रीन पर ले आए हैं, जो कि स्क्रीन आपके सामने आप देख पा रहे होंगे, सेवा योजन का मुख्य पोर्टल खुला हुआ है। इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्टली यहां पे आ सकते हैं। तो आपके सामने जैसे ही आप रोजगार संगम के पोर्टल पे आते हैं, तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आता है। इसमें आपको नॉर्मली आधार ऑथेंटिकेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर दिख रहा होगा यू आर अ जॉब सीकर, यहां पर क्लिक करना पड़ेगा। यहां पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहां पर लॉगिन पेज बनकर आ जाता है। इस पर आपको अपनी आईडी लॉगिन करनी है, जो आपकी आईडी लॉगिन है यहां पर आप आईडी फिल करेंगे। यहां पर इसके बाद आईडी का पासवर्ड फिल करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे और कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट कर देंगे। तो हम अपनी आईडी और पासवर्ड कैप्चा फिल कर ले रहे हैं। तो गाइज, आप देख पा रहे हैं जैसे ही हमने सबमिट पर क्लिक किया है, तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ गया है, जिसमें लिखा हुआ है योर प्रोफाइल इज नॉट आधार ऑथेंटिकेशन, यू आर बीइंग फॉरवर्डेड टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन। तो इस प्रोसेस में आपको देखिए किस प्रकार से आधार को वेरिफिकेशन करना है। इसके लिए नॉर्मली आपको वेरीफाई आधार पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको अगले इंटरफेस पे ले जाता है, जहां पर आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। इसमें देखिए ये कह रहा है कि आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन करने के लिए आपको अपना डाटा जो है इंग्लिश में भरना पड़ेगा, और इंग्लिश में आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो आपने अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिया था इस प्रोफाइल को बनाते समय, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल करेंगे। और फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। के बाद आप गाइस देख सकते हैं, जैसे हमने नंबर फिल किया है, सेंड ओटीपी पर क्लिक किया है, तो इसमें एक नोटिस आ गया है, दिया गया मोबाइल नंबर इस यूजर आईडी के साथ पंजीकृत नहीं है। तो ये आपका जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे डाला है, ये रजिस्टर्ड नहीं है, आपने ये नंबर नहीं दिया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। तो जो आपका राइट नंबर है या आपका कोई और नंबर लगा होगा इस रजिस्ट्रेशन में, तो जो आपका दूसरा नंबर लगा हुआ है रजिस्ट्रेशन में, उसको यहाँ पर फिल करके सेंड ओटीपी पर क्लिक करना होगा। इसके बाद जैसे ही आप अपना ओरिजिनल नंबर जो इस समय रजिस्टर्ड था, उसको यहाँ पर फिल करके सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं, आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पर फिल करके आपको नॉर्मली सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर लिखकर आएगा कि आपका आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, तो जो आपका आधार कार्ड है उसको आपको निकाल लेना है नॉर्मली। उससे आपको यहाँ पर अपना नाम फिल कर देना है, जैसा भी उसमें लिखा हुआ है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा, तो आधार कार्ड नंबर हम अपना फिल कर लेंगे। इसके बाद डीओबी चूज करने के लिए कह रहा है, तो जो आपका आधार कार्ड में डीओबी है उसको यहाँ पर फिल कर लेंगे। अगर गाइज यहाँ पे आपकी डीओबी कैलेंडर के हिसाब से नहीं आ रही है, तो आपको इसमें से कोई भी ईयर चूज कर लेनी है, कोई भी ईयर चूज कर सकते हैं। फिर उसको यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके कर्सर रखिएगा, यहाँ पर आपकी जो भी 2002 है, 2003 है, तो उसको यहाँ पर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। इसके बाद आपको नॉर्मली मेल पर यहाँ पर आपको टिक लगा रहेगा, इसके बाद आपको यहाँ पर चेकबॉक्स पर टिक लगा देना है। यहाँ पर जो नीचे कैप्चा दिख रहा है, इसको आप फिल करेंगे और वेरीफाई आधार नंबर पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखकर आ रहा है आधार सत्यापित है। आप देख सकते हैं आधार सत्यापित लिख के आ गया है, और ऊपर लिखा हुआ है नोटिफिकेशन आ गया, योर डाटा हैज बीन ऑथेंटिकेटेड बाय यूआई, प्लीज लॉगिन। अब आपका डाटा ऑथेंटिकेशन हो चुका है और अब आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के लिए आपको नॉर्मली ओके करना पड़ेगा। जैसे ही आप ओके करते हैं तो आपको ये आपके फिर से उसी इंटरफेस पे ले जाएगा, तो यहाँ पर आपको आईडी अपनी फिर से फिल करनी होगी, ये सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं, आपको आपकी आईडी पर ले जाएगा, जहाँ पर आपकी आईडी ओपन हो जाएगी। ये देख सकते हैं यहाँ पर आपकी आईडी का इंटरफेस लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर आपको ऊपर से एक नोटिफिकेशन आएगा, जिसमें लिखा होगा यहाँ पर आपका प्रोफाइल अनलॉक कर दिया गया है, अर्थात एक बार अपनी समस्त प्रविष्टियां भली भांति चेक कर लें, तथा यदि कोई परिवर्तन किया जाना हो तो कर लें, ताकि भविष्य में आपके द्वारा केवल शैक्षिक योग्यता ही और कार्य अनुभव का कौशल क्या ही उद्यन किया जा सकता है। इसका मतलब है कि आपके द्वारा अभी आप जितना करेक्शन करना चाहते हैं उसको कर लें, क्योंकि फ्यूचर में आप केवल अपनी स्टडी को ही अपडेट कर पाएंगे। तो जैसे ही गाइज आप ओके पर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाता है, जिसमें लिखा होता है प्रोफाइल संशोधन। आप देख पा रहे हैं इस लिस्ट में
लिखा हुआ है प्रोफाइल संशोधन, व्यक्तिगत संपर्क, शारीरिक, शैक्षिक, भाषा अनुभव, कौशल, वरीयता, घोषणा, ये सारे ऑप्शन आपके सामने शो हो रहे हैं। इनमें आप संशोधन करने के लिए आपको नॉर्मली जैसे आपको अपना एड्रेस संशोधन करना है, आपकी शारीरिक क्षमता आपको यहाँ पर एडिट करनी है या कुछ भी आपको यहाँ पर एडिट करना है तो उस पर आपको नॉर्मली क्लिक कर देना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पर अपना व्यक्तिगत डाटा करना चाहते हैं एडिट या फोटो अपडेट करना चाहते हैं तो आपको व्यक्तिगत पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका पूरा प्रोफाइल का जो मेन इंटरफेस है वो आपके सामने आ जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं, ये आपका इंटरफेस पूरा सामने आ गया है। इसमें आपके अपनी सारी डिटेल्स लिखी है, आप चेक कर सकते हैं। यदि आपकी सारी डाटा सही है तो आपको वापस जाएं या फिर आपने फोटो अपलोड करनी है, अपडेट करनी है तो यहाँ पर आप अपनी फोटो चूज कर सकते हैं गैलरी से और अपलोड करके सुरक्षित कर सकते हैं। यदि आपका डाटा ये सुरक्षित सेव हो चुका है तो आपको फिर से वापस यहाँ पर क्लिक कर देना पड़ेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये फिर से आपको वापस उसी पोर्टल पर ले जाएगा और देखिए फिर से वही लिस्ट ओपन होकर आ गई है कि यदि आपने एडिट कर ली है तो आप किसी और ऑप्शन में एडिट करना चाहते हैं, संशोधन करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो आपको नॉर्मली लास्ट में ऑप्शन दिख रहा होगा घोषणा, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप घोषणा पर क्लिक करते हैं आपको लास्ट ऑप्शन में ले जाएगा सबसे, जिसमें घोषणा आपको लिखकर आएगी। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, कृपया आप इसको एक बार और चेक कर लें। ठीक है, इसके बाद हमने जब इसको चेक कर लिया है तो फाइनली ओके पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद देख पा रहे हैं हमने ये सारी डिटेल संशोधन जितनी हमें करनी थी उसको हमने कर लिया है। इसके बाद इसमें लिखा है कि हमारी आईडी से मैं सहमत हूँ, इस पर आपको चेक बॉक्स पर चेक कर देना है और सुरक्षित करें पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो लिखकर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा जिसमें लिखा होगा आपकी सूचना सफलतापूर्वक सुरक्षित की गई है, ओके पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करते हैं प्रोफाइल ओपन होकर आ जाती है। इसके बाद फिर से आपको घोषणा पर क्लिक करना होगा और आप देख सकते हैं इसमें आपको नीचे प्रोफाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन अभी नहीं आ रहा था, अब आने लगा है। इसका मतलब है कि आपका आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आप पहले की तरह नॉर्मल आपकी आईडी हो चुकी है जिसमें आप अपनी प्रोफाइल को कभी भी प्रिंट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हम भी अपनी प्रोफाइल को यहाँ से प्रिंट कर लेंगे और देख लेंगे, हमारी प्रोफाइल में आधार ऑथेंटिकेशन हो ही चुका है। तो यहाँ से अपनी प्रोफाइल डाउनलोड कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं और आप किसी भी जॉब्स के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो अब आपकी वो प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। तो आप फिर से आप अपने डैशबोर्ड पर आ सकते हैं और डैशबोर्ड पे आपके सामने जो नौकरियों के लिए आवेदन लिखा हुआ है तीसरे नंबर पे, इस पर आपको नॉर्मली क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने फिर से वही इंटरफेस आता है और इसमें आपके सामने काफ़ी सारी जॉब्स होती हैं और आप अपनी जॉब्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। गाइज यहाँ पर जॉब के लिए कैसे आवेदन करना है इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बता दिया है। यदि आप नहीं जानते हैं कि आउटसोर्सिंग जॉब प्राइवेट सरकारी नौकरियां आदि नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए कैसे किया जाता है तो उसके लिए हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पर क्लिक करके इसके आगे की भी आप प्रोसेस जान सकते हैं कि आपको जॉब्स के लिए आवेदन कैसे करना है। तो गाइज इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम हमेशा लेकर आते रहते हैं। यदि गाइज आपको थोड़ा ही वीडियो इंटरेस्टेड लगा है, अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अच्छा लगा हो तो इसको शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।